हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम लॉर्ड शिवा भोले बाबा की तरफ से मैसेजेस आपके लिए लेने वाले हैं। यहाँ पर मैं कैंडल वैक्स रीडिंग भी करूँगी आपके लिए और इसके साथ ही साथ हम टैरो भी देखेंगे, ठीक है, कि आपको भोले बाबा इस समय में क्या कहने वाले हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव रहने वाली है एंड डेफिनेटली अगर आपने इस रीडिंग में आप इस रीडिंग में आए हो, आपने इसे ओपन करा है, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज यहाँ पर है, ठीक है। तो येस, यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपके लिए हों, आपसे कनेक्ट हो रहे हों, उन मैसेजेस को रिसीव कीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव मैसेज है। तो मुझे जोन जोन से मैसेजेस यहाँ पर मिलते जाएंगे, मैं वो मैसेजेस यहाँ पर देती जाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आप भी कनेक्ट हुई है अपने डिवाइन से, भोले बाबा से कनेक्ट हुई है, और जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं, आप उनसे कनेक्ट हुई है और उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से आपको वो गाइड करें, मैसेजेस दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहला मैसेज मुझे आपके लिए यहाँ पर ये आ रहा है, वाओ, आपकी लाइफ में कोई ना कोई मैजिक होने वाला है गाइस, कोई मैजिक आपके जीवन में होने वाला है। आपकी इंट्यूशन इस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, बहुत ही ज़्यादा आप इंट्यूटिव यहाँ पर अपने आप को फील कर रहे हैं। आपको इंट्यूटिव मैसेजेस भी यहाँ पर मिल रहे होंगे और यहाँ पर भोले बाबा आपको ये बोल रहे हैं कि इस वक्त पर जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना गाइस, उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो रहे हो, आपकी विजडम यहाँ पर ग्रो कर रही है। मैं कहूँगी यहाँ पर आपकी इनर विजडम जो है वो ओपन हो रही है, आपकी ज़िंदगी में यहाँ पर ग्रोथ आ रही है। ओके, बस आपको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारे जो डॉट्स हैं ना, वो टू टू नंबर्स की एनर्जीज में आए हैं, जो कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि प्लीज़ अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आइए। आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मतलब किसी ना किसी फॉर्म में आपके जीवन में इम्बैलेंस है, तो आपको अपने जीवन में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ओके, वाह, किसी के लिए आर लेटर स्पेसिफिक हो सकता है, आर, टी, टी लेटर स्पेसिफिक हो सकता है, या आपका खुद का नाम हो सकता है, मतलब उसका फर्स्ट वर्ड हो सकता है, फर्स्ट सॉरी लेटर। जो यहाँ पर कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं ना, उनके लिए यहाँ पर कोई गुड न्यूज़ है आने वाले समय में गाइस, गुड न्यूज़ आपके लिए यहाँ पर आ रही है। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, भोले बाबा आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर भोले बाबा एक मैसेज डिलीवर कर रहे हैं आपके लिए, ये देखिएगा जिनके लिए भी यहाँ पर मैसेजेस हैं गाइस। आपने रिसेंटली पास्ट में, मतलब रिसेंटली नहीं कहूँगी, आपके जीवन में बेसिकली आप कुछ इस तरीके समय से गुजरे हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों को देखा है। कहने का मतलब कि आपकी लाइफ में बहुत सारे टावर मोमेंट्स रहे हैं। जब कभी लगा कि जीवन में सारी चीज़ें ठीक ट्रैक पर आने लगी हैं या फिर अब सब ठीक हो जाएगा, तभी कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती थी, तभी कुछ ना कुछ चीज़ें बैक हो जाती थी और कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था। बेसिकली वो आपके जीवन में टावर मोमेंट रहा है। तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको आपकी खुद की पावर से यहाँ पर कनेक्ट कराया जा रहा है। आप अभी तक अपने आप को जाने नहीं हों, ओके, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, जिनके लिए भी ये मैसेज है गाइस, आप अभी अपने आप को जाने नहीं हो। आप यहाँ पर स्टार सीड हो, आप यहाँ पर कुछ स्पेशल करने के लिए यहाँ पर आए हो। आपके पूर्वजों ने आपको किसी इम्पॉर्टेंट काम के लिए यहाँ पर चुना है। अभी वो काम हीलिंग हो सकती है या फिर कोई भी रिचुअल बेसिकली हो सकता है जो आपके पूर्वज नहीं कर पाए हैं, तो वो काम आपको करना है और आपको उस काम के लिए चुना गया है। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग जो हैं उस मतलब आप
उस एनर्जी को भूल गए हो और आपको बार बार जिसे कहते हैं ना कि वो याद दिलाया जा रहा है कि आप कितने पावरफुल हो, अपने आप को जानो। खास करके आप में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप अपने आप को कम आंकते हैं, आपको ऐसा लगता है कि होता है ना कि इस तरह की टॉकिंग करना कि मैंने जीवन में अपने जीवन में बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं और मतलब मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, मतलब मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता या मैं इसे हैंडल नहीं, मुझे मुझसे इतनी प्रॉब्लम्स देखी नहीं जाती या मैं इसको नहीं ले सकता। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि माय डियर अपनी पावर से जुड़ो, सोचो कि आपको जितने बड़े काम के लिए आपके पूर्वजों ने आपको चुना है, आपकी सोल कितनी पावरफुल है, आप कितने पावरफुल हो। आप कहीं गुम हो गए हो तो आपको उससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने अंदर की फायर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मिरर में, मिरर के सामने खड़े होकर के अपने से बात कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। मिरर में खड़े हो, मिरर के सामने खड़े होकर के अपनी आँखों में देखिए, घूरिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है घूरना है आपको और अपनी आँखों में देखना है और उसके बाद आइज़ क्लोज कर लेनी है एंड देन फिर आपको अपनी आइज़ को ओपन करना है, ठीक है। ओपन कीजिए और मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है गाइस, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यस, कुछ कन्फ्यूजन है अभी भी आपके जीवन में, आपके माइंड में मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, अभी भी आप कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत कन्फ्यूज चल रहे हो गाइस, ठीक है। पर आपको बोला जा रहा है आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुई है, क्योंकि यहाँ पर आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल परफेक्टली परफेक्ट गाइड कर रही है। आपकी इंट्यूशन इस समय बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और डिवाइन आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपसे यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की यहाँ पर ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। जितना हो सके मेडिटेट कीजिए, ओके। और बार बार ये बोलिए, आई ट्रस्ट एंड फॉलो माई इंट्यूशन, आई ट्रस्ट एंड फॉलो माई इंट्यूशन, आई ट्रस्ट एंड फॉलो माई इंट्यूशन, ठीक है। ये आपको आपकी मदद करेगा आपकी इंट्यूशन को फॉलो करने में और उस पर ट्रस्ट करने में, राइट। वाओ, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये ओम की ऊर्जा बनी है, ब्यूटीफुल। यहाँ पर साक्षात मतलब भोले बाबा जो है ना, मतलब यूनिवर्स कह लीजिए, ओम एक यूनिवर्सल साउंड है गाइस, यहाँ पर वो प्रेजेंट हैं आपकी रीडिंग में और हम उन्हीं के थ्रू आपके लिए मैसेजेस ले रहे हैं। वो अपनी प्रेजेंस यहाँ पर शो कर रहे हैं, बिल्कुल वाओ। और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि वो आपके साथ हैं माय डियर, वो आपके साथ हैं, ऑलवेज आपके साथ हैं। यहाँ पर मुझे किसी के लिए ये मैसेज मिल रहा है कि आपका टाइम, आई डोंट नो, ये किसी चीज़ का काउंटडाउन है, वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। किसी चीज़ के लिए आपको वक्त मिला है, किसी चीज़ के लिए आपको यहाँ पर सेकंड चांस मिला है और अब वो जो सेकंड चांस आपको दिया गया है, आपकी कोई इनर कॉलिंग है, आपको अंदर से जैसे किसी चीज़ की कोई आवाज़ आ रही है, आपको उस तरफ यहाँ पर कदम उठाने की ज़रूरत है गाइस, उस तरफ कदम उठाने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, भोले बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये आपके लिए दूसरा मौका है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दूसरा मौका है, ठीक है। तो उस तरफ आगे बढ़िए, अपने दिल को फॉलो कीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। अपने दिमाग को ना, मतलब अपने थॉट्स को थोड़ा रोको, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने थॉट्स को रोको। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ है, आई रियली डोंट नो, मैं इस तरह का मैसेज यहाँ पर डिलीवर नहीं करना चाहती हूँ, बट मुझे यहाँ पर कुछ ये एक इमेज यहाँ पर उभर करके आ रही है जो कि मुझे अच्छी नहीं लग रही है, कि कोई है जो आपके पाथ को रोक रहा है। ये लिटरली कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई है जो आपके पाथ को रोक रहा है, कुछ या कोई आपके पाथ को रोक रहा है, कोई आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ओके। क्या आप और कुछ मैसेज दे सकते हैं भोले बाबा, प्लीज़ बताएं क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। यस गाइस, थोड़ा सा अलर्ट रहिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, किसी की बातों में आपको यहाँ पर नहीं आना है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं प्लीज़ बिना सोचे समझे किसी की बातों में ना आएं, किसी की बातों पर ट्रस्ट ना करें,
सिर्फ अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करें, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीज़न आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। जो भी एक्शन, जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं, सोच समझ करके वाइजली चूज़ करना है चीज़ों को। ओके वाह, आपके लिए आने वाला समय बहुत ब्लेस्ड रहने वाला है गाइस, बहुत ब्लेस्ड रहने वाला है। ओह माय गॉड, किसी सिचुएशन से ना, किसी स्टक सिचुएशन से डिवाइन आपको बाहर निकाल रहे हैं। या आप किसी सिचुएशन में अगर स्टक हो, किसी सिचुएशन से डिवाइन आपको बहुत केयरफुली बाहर निकाल रहे हैं, डोंट वरी। किसी कार्मिक में स्टक हो या किसी भी सिचुएशन में, लिटरली जैसे कि किसी कीचड़ से बाहर निकालना, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही है। यहाँ पर आपकी इनर चाइल्ड की तरफ से भी मैसेज है गाइस कि आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं यहाँ पर आपकी इनर चाइल्ड की। दोबारा से बच्चे बनने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि इस मोमेंट पर ना वो काम करने की आपको ज़रूरत है जो आप बचपन में किया करते थे। मतलब उन गेम्स के साथ कनेक्ट होना, उन एक्टिविटीज़ के साथ कनेक्ट होना, या फिर उन दोस्तों के साथ कनेक्ट होना, ठीक है, उनके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है। और जिन लोगों को इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं ना, आपका बचपन में कुछ इश्यूज़ रहे हैं, आपका चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा है, आपको बोला जा रहा है अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग कीजिए। ओके, अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग कीजिए। आप बहुत ब्लेस्ड हो गाइस, यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ हैं, भोले बाबा आपके साथ हैं, आपके डिवाइन टीम आपके साथ हैं, वो आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वाओ, आपको ना यहाँ पर सैक्रेट ज्योमेट्री होती है, उसके साथ आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, खासकर वो सैक्रेट ज्योमेट्री या और फ्लावर ऑफ ट्री होता है, उसके साथ आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है। उसकी पिक्चर आप लगा सकते हो, ठीक है। सैक्रेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज आपको लेने की ज़रूरत है, उसके साथ आपको काम करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। उसकी नॉलेज लीजिए, गूगल कीजिए, आपको बोला जा रहा है। चलिए ओके, गाइस, कोई आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो सही नहीं है, आई मीन उसे थोड़ा केयरफुल रहिए। ओके, उसे थोड़ा केयरफुल रहिए, वो आपको हार्म कर सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भोले बाबा। प्लीज़ बताएं आप अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मैसेज आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं। Four of Wands, wow, okay. Temperance, definitely. मैंने आपको यहाँ पर balance की energies बताई थी कि आपको balance करने की ज़रूरत है। Three of Pentacles. King of Cups, Five of Pentacles, Nine of Cups, Ace of Pentacles, Knight of Pentacles, and Six of Swords. Okay. बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ सोर्ट्स। मैंने आपको यहाँ पर ये मैसेज दिया कि आप अभी मतलब किसी सिचुएशन में स्टक हो, लेकिन वहाँ आपका जो माइंड है ना, उसने आपको घेर रखा है। मतलब वो आपको सही डायरेक्शन, या फिर मैं कहूँ आपको आपकी इंट्यूशन को फॉलो नहीं करने दे रहा है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कहती भी है ना, तो आप इतना आपका माइंड आप पर हावी है
कि आप उस मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहे हो या फिर उसको फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से कि आप अभी थोड़ा हो सकता है आप अपने आसपास चैलेंजेस को फेस कर रहे हो या फिर आपके इंटरनल लेवल पर बहुत चीज़ें चल रही हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि मेडिटेशन कीजिए, योगा कर सकते हो आप, मेडिटेशन आप कर सकते हो, अपनी डाइट पर फोकस कीजिए। कहीं तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया था कि कहीं तो आप इम्बैलेंस हो, कहीं तो चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, अभी आपका वो रूटीन हो सकता है या फिर ये कोई भी एनर्जीज आपके खाने पीने का ढंग हो सकता है, ठीक है। किस तरह के हेल्दी डाइट को आप फॉलो करते हो या नहीं करते हो, या फिर आपका सोने उठने का रूटीन क्या है, ठीक है, आपका पूरे दिन का रूटीन बेसिकली क्या है, किस तरीके की एनर्जीज में आप रहते हो, वो बहुत मैटर करती हैं। तो थोड़ा बैलेंस यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है विद द टेम्परेंस ऊर्जा। और भोले बाबा आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि आने वाले समय में किसी के लिए यहाँ पर उनके घर में बहुत खुशियाँ यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये बेबी बर्थ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर आप कुछ करना चाह रहे थे, कुछ सीखना चाह रहे थे, स्पेसिफिकली ये उन बच्चों के लिए भी है जो कुछ नया, जैसे किसी स्पेसिफिक कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे थे लेकिन आपको आपके घर वालों से, आपके पेरेंट्स से वो रजामंदी नहीं मिल रही थी, तो वो चीज़ें बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं, आपके परिवार की तरफ से आपको वो सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और किसी की यहाँ पर मैरिज है, मतलब अगर कोई सिंगल था यहाँ पर और किसी अपने ट्रू सॉलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन की यहाँ पर वेट कर रहे थे, तो वो मुझे एनर्जीज यहाँ पर फील हो रही हैं। लेकिन ये किसी के लिए जो शादी की एनर्जीज है, मैरिज की जो एनर्जीज आ रही है, ये पर्सन या तो मतलब ये दूर की एनर्जीज मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि या तो वो पर्सन आपकी सिटी से नहीं होंगे या फिर आपके खुद के देश से नहीं होंगे, ठीक है। ये बाहर की ऊर्जा, दूर की ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो यस, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन यहाँ पर होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आने वाले समय में। यहाँ पर डिवाइन आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं, भोले बाबा की तरफ से आपके लिए यही मैसेज है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उन चीज़ों को इन्जॉय कीजिए। अगेन गाइज, आई रियली डोंट नो, मुझे यहाँ पर दोबारा से ओम की एनर्जीज मिली है। हम मैंने ये कार्ड कितनी बारी रीड करा है आप देख रहे हैं, स्पेसिफिकली वो शेप ही मुझे यहाँ पर नजर आई है, देख रहे हैं, ओम की एनर्जीज। तो यस, ये खुशियाँ जो हैं डिवाइन आपके जीवन में लेकर के आ रहे हैं, यूनिवर्स आपके जीवन में लेकर के आ रहे हैं, भोले बाबा आपके जीवन में लेकर के आ रहे हैं, तो उन खुशियों को इंजॉय कीजिए। ये स्पेसिफिकली जैसे कि मैंने बोला, किसी की शादी या फिर कोई भी खुशी हो सकती है आप लोगों की, करियर में भी मुझे स्टेबिलिटी मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ खुशी का मौका बेसिकली आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और ये सब के लिए अलग अलग रहेगा। मुझे जिसे कहते हैं ना कि पैसे आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इनकम आपकी बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब मनी के स्रोत रोड जैसे बढ़ रहे हैं आपके, ठीक है। किसी के लिए मुझे यहाँ पर प्रमोशन भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो बहुत ही अच्छा समय आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। तो आपको यहाँ पर भोले बाबा बोल रहे हैं कि ग्रेटफुल रहिए और हर छोटी बड़ी खुशियों को जो है इन्जॉय कीजिए अपने परिवार के साथ, ठीक है। और उसके लिए डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और यस, ये जो भी चीज़ आ रही है, अपने आप को ग्राउंड रखिए, अपने आप को इम्बैलेंस मत कीजिए, अपने जीवन में बैलेंस लेकर के आना आपके लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आपका स्क्रीन टाइम क्यों नहीं हो, चाहे वो आपके सोने उठने का समय क्यों नहीं हो, चाहे वो आपका खाने पीने का टाइम ही क्यों नहीं हो, तो थोड़ा इस पर फोकस कीजिए। आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, भोले बाबा आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका रूटीन है ना, जब आप वहाँ पर इम्बैलेंस हो जाते हो ना, तो वो आपके जीवन में, आपके फिजिकल रियलिटी में इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। अभी वो चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर के इम्पैक्ट डाले, चाहे आपके फाइनेंसेस को लेकर के इम्पैक्ट डाले, कहने का मतलब वो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में, मतलब अगर आप इस एनर्जी को फॉलो करते हो, तो आने वाले समय में आप इस चीज़ से उभर करके बाहर आ रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे ही सही आप इस चीज़ से बाहर आ रहे हो, चीज़ें ग्रो कर रही हैं, हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव हो रही है, फाइनेंसेस आपके यहाँ पर इम्प्रूव हो रहे हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने होंगे। यहाँ पर डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, अपने रूटीन को, आपकी सारी जिसे कहते हैं ना कि खुशियाँ या ब्लेसिंग्स जो है वो आप पर डिपेंड करता है, आपकी डे टू डे रूटीन कैसी है, आपका सिस्टम कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली हमारा जो आउटर लाइफ होती है ना, वो हमारे जो हम खुद अंदर से कैसा फील कर रहे हैं, कैसे हैं, वो सब चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल,
मुझे रिकॉग्निशन आपकी तरफ मिलती हुई दिखाई दे रही है कुछ, मतलब यहाँ पर आप कुछ ग्रुप ग्रुप के साथ मिल करके, मतलब कुछ लोगों के साथ मिल करके आप काम कर सकते हो, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, डेफिनेटली कुछ इंक्रीमेंट है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, प्रमोशन आप लोगों का हो सकता है, जैसे कि आपके काम को ना कोई देख रहा है, आपको देखा जा रहा है, ठीक है। और जिस वजह से कि आपकी तरफ कोई ऐसा ऑफर आएगा, कोई बहुत बड़ा बदलाव आएगा, डेफिनेटली यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। अभी मे भी कोई ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोगों के लिए ट्रांसफर उनको अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये आपके बहुत अच्छे के लिए है। मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपको कोई चेंज का, चाहे वो जॉब चेंज हो, चाहे वो कोई ट्रांसफर हो, अगर कहीं ऐसा ऑप्शन आपकी तरफ आ रहा है ना, तो उसे ग्रैब ज़रूर कीजिएगा। उससे ना आपको कहने का मतलब, अगर वो ट्रैवल डिफ़िकल्ट भी है या कोई भी इश्यूज अगर आपको लग रहे हैं माय डियर, उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि वो आपको बहुत खुश करेगा आगे जा करके। बेसिकली ये कुछ इस तरह की एनर्जीज है, विश फुलफिलमेंट वाली एनर्जीज। ये मौका जो आपकी तरफ आ रहा है ना, ये आपके, जिसे कहते हैं ना कि आपके ड्रीम्स को पूरा करने की हिम्मत रखता है, ठीक है। तो इस चेंज को एक्सेप्ट करना है मुझे। करियर वाइज कोई चेंज, कोई बहुत ही पॉजिटिव, कोई बहुत ही बड़ा चेंज आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो डिवाइन यहाँ पर भोले बाबा आपके लिए बता रहे हैं। लेट्स सी मेजर अरकाना की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है यहाँ पर। ओ माय गॉड, स्टार ब्रह्मा की एनर्जी से बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। ओ माय गॉड गाइस, आप जिस भी डिफिकल्ट टाइम पीरियड से गुजर रहे हो, बिलीव मी, आप सक्सेसफुल ज़रूर होगे। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज है यहाँ पर, शनिदेव की एनर्जीज है, आपका कुछ ना कुछ कार्मिक यहाँ पर रिलीज हो रहा है, डोंट वरी, ठीक है। और आपको यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला कि कुछ लोगों को यहाँ पर सेकेंड चांस दिया जा रहा है, तो प्लीज़ आपको इंट्यूटिवली अपनी लाइफ में कोई मेजर डिसीजंस यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने यहाँ पर चेंज की बात करी, ये कोई ट्रांसफ़र हो सकता है या ये कुछ भी हो सकता है, या फिर किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ना, ये कोई ऐसी भी ऊर्जा है। किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, किसी पर्सन, मतलब ये कुछ सबके लिए अलग अलग होगा ये, ठीक है। तो आपको उस तरफ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इस समय आपको वो डिसीज़न बनाने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बेसिकली ये जो इस मूवमेंट का आपका डिसीज़न होगा ना, भोले बाबा आपको यहाँ पर बता रहे हैं, वो आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर के जाएगा, ठीक है। तो इस समय जितना आप क्रिएटिव होंगे, जितना आप अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होंगे, उतनी ही आपको जो है आगे बहुत सक्सेस मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी, सफलता यहाँ पर मिलेगी, आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है। लेकिन इस मूवमेंट पर, जिसे कहते हैं ना कि आपको होप नहीं खोनी है, आपको पॉजिटिव रहना है, आप जितना अपने आप को बैलेंस कर सकते हो उतना कीजिए, अपनी हीलिंग पर भी फोकस कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। हीलिंग कीजिए अपनी और पॉजिटिव रहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। लेट्स सी, थैंक यू मैम, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी, भोले बाबा। और क्या मैसेज आप अपने बच्चों को यहाँ पर देना चाहते हैं? ओके नहीं, ओके लेट्स सी, यहाँ पर दो कार्ड आपके लिए आए हैं। एक है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर यूअर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू एंड कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिंग एंड पावरफुल, मिरेकुलस चेंजेस आर ऑक्यूरिंग। डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा चेंज तो आपके जीवन में आ रहा है गाइस, और ये डिवाइन की तरफ से, जिसे कहते हैं ना कि फेटेड है, और यहाँ पर है इस मैजिक मैनिफेस्टेशन। एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, यहाँ पर भी नाइन ऑफ कप्स की एनर्जीज है, तो आपकी जो भी कोई विश है वो डेफिनेटली फुलफ़िल तो होने वाली है, लेकिन उसके लिए आपका भी बैलेंस होना, आपका भी राइट एक्शंस, राइट डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। इस समय आपके दिमाग में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी सोच विचार आपकी चल रही है ना, उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी को बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर बैलेंस की एनर्जीज है। आपको थोड़ा इस मूवमेंट पर अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अवेयर होइए, ओपन होइए कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। उस हिसाब से, मतलब जब भी कभी आपको ऐसा लगे ना कि आप नेगेटिव कुछ सोच रहे हो, प्लीज़ अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट करो, क्योंकि इस समय आप एक मैजिशियन की ऊर्जा में हो, ठीक है। आप बहुत पावरफुल एक मैनिफेस्टर हो इस समय में, ओके। यहाँ पर गॉडेस इसिस भी हैं जो आपके साथ वर्क कर रही हैं, और इस समय आप जो भी सोचोगे ना, वो चीज़ें आपकी रियलिटी में आपको दिख जाएंगी, ओके। आई थिंक सारे कार्ड्स आपको दिखाई नहीं दे रहे, आई एम सो सॉरी गाइस,
तो यस, वो अब वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अभी वो डिवाइन को नहीं पता, यूनिवर्स को नहीं पता कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। आप क्या, किस वाइब्रेशंस पर, आप क्या मांग रहे हो, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बेसिकली इस मोमेंट पर भोले बाबा आपको यही बोल रहे हैं कि इस मोमेंट पर आपको सिर्फ वही सोचना है जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हो, ठीक है। वो पाने के बाद आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी, उस एनर्जीज में आपको टैप इन करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस। बेसिकली ये वो एनर्जीज है, कुछ तो गिफ्ट है, कुछ तो टैलेंट है गाइज आपके अंदर, ठीक है, जिस चीज़ को शेयर करने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना, कोई आपकी क्रिएटिविटी है, कोई आपकी क्रिएटिव साइड है, या फिर कुछ है आपके अंदर जिससे आपके आसपास के लोग या फिर आपको भी नहीं पता कि कौन कौन उस चीज़ से इंस्पायर हो सकता है। तो बेसिकली उस चीज़ से आपको, उस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने दिल को फॉलो करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, और अपने ऊपर डाउट्स मत लेकर के आओ, आगे बढ़ो, बस आपको ये बोला जा रहा है गाइस। ओके, लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। बैलेंस, ओ माय गॉड, बैलेंस बनाइए। आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि बैलेंस बना करके चलना है। इवन लोग क्या कह रहे हैं, लोग मतलब लोग क्या जज कर रहे हैं। मैंने बोला ना कि आप जैसा खुद अंदर से फील करोगे वैसी ही रियलिटी आप अपनी लाइफ में लेकर के आने वाले हो, वैसे ही लोग भी रिफ्लेक्ट होंगे आपकी लाइफ में। लोग आपको किस तरीके से देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो आपके काम को सराहा जाए, आपको सराहा जाए, बेसिकली आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपका टैलेंट है, तो पहले तो खुद को अप्रिशिएट करना सीखो, खुद के काम को, खुद के गिफ्ट्स को, खुद के टैलेंट को अप्रिशिएट करो और उसको लेकर के कॉन्फिडेंट फील करो। देन आप देखोगे कि सामने से आपको भी वैसे ही रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपको पहले तो इस चीज में देखने की जरूरत है कि आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या सोचते हो उस चीज को लेकर के, ठीक है। वाटर मैजिक, माई गॉड, यहाँ पर मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट, ठीक है। ग्राउंड एंड सेंटर, अपनी एनर्जीज को इस समय आपको अपनी एनर्जीज को सेंटर करना है। ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर से कनेक्ट होइए। ग्राउंडिंग की मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी गाइस, गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं, वो कर सकते हो। नेचर के साथ, गाया के साथ कनेक्ट होइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपकी एनर्जीज को ग्राउंड करने में। वाटर के साथ आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो गाइस। देखिए, आप जब भी पानी पिए ना, चाहे वो आप कांच का ग्लास यूज़ कर रहे हो, डजेंट मैटर कोई मेटल भी क्यों नहीं हो, जैसे आप पी रहे हैं वैसे कांच का ग्लास ही बोला जाता है, कांच ही बोला जाता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप तुरंत पी रहे हैं, आपने ग्लास में डाला और उसको पीने से पहले ना अफेम करो, मतलब कुछ ना, जो भी आप अपने जीवन में बेसिकली चाहते हो ना, उसको प्रेजेंट टेंस में आपको बोलना है। लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, आप उसे बोलिए, ठीक है, और देन उसे पी जाइए। अगर आप उसको 11 टाइम या 7 टाइम अगर आप उसको बोल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उसको 3 टाइम्स एटलीस्ट बोलो और उसको पी जाओ। एंड मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, भाई आप अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में बहुत चीज़ें चलती हैं, बहुत कुछ चलता है, थॉट्स बहुत हैवी हो जाते हैं, आपको कंट्रोल करते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत हावी हो जाते हैं, तो अपनी क्रिएटिविटी से कनेक्ट हुई है। आपके पास कोई तो टैलेंट है, यहाँ पर डिवाइन चाहते हैं कि आप उससे कनेक्ट हो, और वही आपकी बेसिकली, आप उसी के लिए यहाँ पर आए हो। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, अब ये वक्त है एक चेंज का, अब ये वक्त है एक बदलाव का, अब ये वक्त है अपने जीवन में ना खुशियों को लेकर के आने का। ओके गाइस, तो ये आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो यस माय डियर, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। भोले बाबा को, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर watching my video. God bless you all. Bye-bye.